मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम जानते हैं कि नवरात्रि में माता के लिए कितने तार की बाती बनाएं। यह बाती यदि आप 9 दिन नवरात्रा स्थापना कर रहे हैं तो रोजाना एक बाती जला सकते हैं, लेकिन यदि आप केवल अष्टमी या नवमी की ही पूजा कर रहे हैं तो पूरी 9 बाती का दीपदान एक साथ कर सकते हैं। और यदि आप नवरात्रा स्थापना नहीं कर रहे हैं और अष्टमी और नवमी की पूजा भी नहीं कर रहे हैं तो भी पूरे 9 दिन माता के मंदिर या घर पर यह दीपदान कर सकते हैं। यह बाती बनाने के लिए हमने कच्चा सूत लिया है। एक तार के कच्चे सूत को इस तरह 4 बार पूरा और आधा और लपेटेंगे तो एक तरफ के 5 तार और एक तरफ के 4 तार मिलाकर 9 तार की एक बाती तैयार हो जाएगी और ऐसी 9 बाती को मिलाकर एक बाती बनेगी। लेकिन यदि आप इन बातियों को एक साथ और जल्दी बनाना चाहते हैं तो इस तरह बनाएं। अब जैसा कि हमने 9 तार की 9 बाती बनाई, यानी 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81 यानी 81, तो हमें एक बाती में 81 तार चाहिए। यह हमारे पास 5 तार का कच्चा सूत है और लगभग इस साइज की बत्ती हमको चाहिए, तो ऐसे 4 और आधा बार लपेट कर 9 बत्ती का साइज पता कर लेते हैं। अब इस साइज को पूरा खोल कर इसी लंबाई में पूरा 8 बार लपेटेंगे तो दोनों तरफ के तार मिलाकर 80 तार हो जाएंगे और फिर इसमें इस तरह एक तार निकालकर आधा और लपेट लेंगे तो यह हमारे 81 तार हो जाएंगे। यदि आपके सूत का तार अलग गिनती में है तो आप 81 तार का हिसाब लगाकर उस हिसाब से बाती तैयार करें। अब इसे 9 हिस्सों में कट करके इस तरह बीच में से बांध लें। यह हमारी कुछ ही मिनटों में 9 दिन की नवरात्रि की बाती तैयार है। इसके बाद इन बत्तियों पर हम थोड़ा सा कपूर लगा देंगे तो जलाते समय यह बड़ी आसानी से जल जाती है। अब आप पूरे 9 दिन माता को दीपदान करें या पूरी 9 बातियों को इस तरह एक साथ बांधकर नवमी या अष्टमी के दिन दीपदान कर सकते हैं। जय श्री राधे।